ये मोटिवेशन था कि यही लास्ट, इस बार दौड़ना ही नहीं है, यही लास्ट है, यही जी जान, जितना है दम अंदर यही पूरा दम जी जान लगा दो। तो कॉम्पिटिटिव भी बहुत अच्छा कर रहे थे वहाँ बी एटम, बहुत अच्छा एकदम। ये तो सभी बच्चों से सुनने में मिला कि इंडियन एयरफोर्स इस बार बहुत कॉपरेट कर रहा था, सभी को कॉपरेट कर रहा था। भाई बंदे सेना वाले होते हैं, सबको कॉपरेट करते हैं, सच्चाई है। 10 पुशअप करवाए थे सर, उसमें एक होल्ड नहीं करवा रहे थे सर, ये जो लोग बोलते हैं होल्ड करवाते हैं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब एकदम कॉन्शियस होके वो फॉर्म जो फिल करने, ओमैन सीट को बहुत अच्छे से फिल करना है, मतलब कुछ इधर उधर कर दिए तो रीड नहीं कर पाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब बहुत स्पीड से करना पड़ता है, सोचने का समझो टाइम नहीं रहता। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले के अकॉर्डिंग GDF इजी हो चुका, समझने लायक। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैडेट्स को डिफेंस एकेडमी से कोई सपोर्ट आता है? बिल्कुल सर, पिछली बार भी मिला, पिछली बार भी क्वालिफाइड थे, इसीलिए तो इस बार फिर आए थे, भाई को भी लेके आए थे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स को डिफेंस एकेडमी में, और आज हमारे साथ है दो और चैंप्स, जी हाँ, जिन्होंने भारतीय वायुसेना के उस अग्निवीर परीक्षा में शामिल हुए थे जहां पर शायद 7 से 8 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन भरे थे, और 7 से 8 लाख में केवल 28 कट ऑफ में जाने के बाद आपको समझ में आना तो चाहिए कि आखिर पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा रहा कि 28 की कट ऑफ में इन बच्चों ने अपने आप को साबित किया कि सर 7 लाख में हम सबसे अलग हैं। जी हाँ, मेरे साथ दो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी सफलता को अंजाम दिया और यहीं के कैरेट्स रहे, कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के। तो मैं सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है? सर विशाल जायसवाल। विशाल जी, आप तो विशाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कब आए आप? सर पिछली बार भी आए थे, इस बार भी अभी आए सर। तो रिटर्न आपका क्वालिफाई हुआ, कितने मार्क्स थे आपके? सर 31 है। 31 थे टोटल, एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में? एक्स ग्रुप में, वाई में होता तो होता ही नहीं, तो एक्स ग्रुप में। और आपका क्या नाम है? ये आयुष सिंह। आयुष सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। दोनों लोग दोस्ती है क्या? बहुत सही, मतलब दोस्ती हो तो वैसे ही कि दोनों क्वालिफाई साथ में किए, दोनों लोग क्लास में भी एक ही साथ पढ़े होंगे, स्कूल एक ही था, स्कूल वहाँ सुल्तानपुर में अलग अलग था, लेकिन दोस्ती हुई, और दोस्ती इस हिसाब से मिसाल कायम की कि दोनों लोगों ने एक साथ नौकरी के लिए ठान ली और दोनों एक साथ नौकरी करेंगे। भैया यही सोच रखा है क्या आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, आपका PFT हुआ, फिर GDSRTO, कितने तारीख को आपका PFT था? सर कल था, 23rd को। 23rd को था। आपका कहाँ था? यस 23rd थे, NSC बेटा। बेटा में था, सेम था। कहाँ पढ़ता है बेटा? बेटा बिहार में पढ़ता है। तो आप बिहार से कब निकले हैं वहाँ से? वहाँ से सर कल रात को निकले हैं। कल रात में निकले हैं, और आप कब पहुँचे हैं यहाँ पे? सर अभी आ रहे हैं, जस्ट अपने कोचिंग से मिल ली। बहुत बढ़िया, मतलब तुरंत वहाँ से आए, ट्रेन से उतरे और सोचे कि अब सर से मिल लिया जाए, यानी कोचिंग हो लिया जाए, उसके बाद फिर कहीं जाया जाए, है ना? यस सर, यही। बहुत बढ़िया, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आप ये बताइए कि अब हम बात कर लेते हैं बिहार की भी, तो हम आपको बताएं कि ये बच्चे दोनों सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर जिले के, और इन्होंने दोनों एक साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स यानी अग्निवीर की परीक्षा को पास किया। और फाइनली अब हम जानेंगे कि आप ये बताइए कि आपका रिपोर्टिंग कल की डेट में था। yes. तो दौड़ कितने बजे, पहले तो रनिंग कराया होगा इन लोगों ने, तो रनिंग कितने बजे शुरू किया? वैसे शायद 7-8 आसपास था, 7-8 बजे के लगभग था। तो चेस नंबर क्या मिला था? मेरा 481 था। आपको क्या था? 399। लगभग हमको लगता है 500 बच्चों को बुलाया गया था, ज्यादा थे 500 बच्चों को। तो आप ये मानिए कि, और एक साथ आपके ग्रुप में कितने बच्चों ने दौड़ लगाई? 100-100 का ग्रुप बना। 100 अप्रॉक्स। तो आप लोगों ने साथ में ही दौड़े थे, अलग अलग थे? नहीं सर, आपका अलग। यस सर। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि कितने मिनट में आपने क्लियर किया? 6:15 के आसपास। 6:15 के आसपास आपने? मेरा 550 लगा था। 550 लगा था, मतलब बहुत कम समय में आपने। उसके लिए कुछ अलग से मेहनत की थी आपने? जी नहीं सर, बस 10 दिन के अंदर ही। 10 दिन के अंदर किया था, मतलब रनिंग कम्प्लीट। अच्छा, एक ऐसा लगता रहा होगा यार 7 मिनट में आएगा, 8 मिनट में आएगा, जो आता रहा होगा। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा क्या कुछ इंटरनल पावर ऐसे समझ में आती थी कि नहीं यार निकालना है, लास्ट अटेम्प्ट है या पहला अटेम्प्ट है, पहली बार में? ये मोटिवेशन था कि यही लास्ट, इस बार दौड़ना ही नहीं है, यही लास्ट है, यही जी जान, जितना है दम अंदर यही पूरा पूरा दम जी जान लगा देंगे, भाग मिलकर भाग की तरह। कॉपरेट भी बहुत अच्छा कर रहे थे वहाँ बी एटम, बहुत अच्छा एकदम। ये तो सभी बच्चों से सुनने में मिला कि इंडियन एयरफोर्स इस बार बहुत कॉपरेट कर रहा था, सभी को कॉपरेट कर रहा था। भाई बंदे सेना वाले होते हैं, सबको कॉपरेट करते हैं, सच्चाई है। आपका क्या मानना है?
सर जो लड़के डरते हैं बहुत ज्यादा, ये डरते हैं, डरने उन्हें कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ इतना कोऑपरेट करते हैं बच्चों को, मैंने देखा है एकदम पूरा, एक बार नहीं दो बार करवाते हैं, तीन बार करवाते हैं, अगर तीसरी चौथी बार नहीं हो तब बच्चे को निकालते हैं, निकालते नहीं है बच्चे को। अच्छा, मतलब वहाँ कोऑपरेशन अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, हर एक पॉइंट पे छोटी छोटी चीज, और आप कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो जस्ट बगल में थे आप पूछ सकते हो। अच्छा, जब आपने रेस क्लियर किया तो आपको उन्होंने बताया कि अब आप क्लियर कर लिए हैं या फिर आपको yes, पता था नहीं सर, रस्सा था, जैसे रस्सा था, रस्सा जाहिर सी बात है रस्सा लेके खड़े थे हम, आ गए थे, रस्सा जैसे खींच दिया तो ऑटोमेटिकली हमें पता था जैसे हो गया है, क्योंकि रस्सा वाला सिस्टम था ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम था वहाँ पे। अच्छा, रोड पे दौड़ा रहे थे या ग्राउंड पे दौड़ा? सर रोड पे, रोड पे। इस बार तो सबको रोड पे दौड़ा? यस सर रोड पे दौड़ा। कारण बता देता हूँ आपको, रोड पे दौड़ा इसलिए क्योंकि बारिश का काफी समय से चल रहा है मौसम है, और बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था ग्राउंड में। बारिश भी कल बहुत हुई थी शाम, बहुत मूसलाधार बारिश। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, अच्छा हुआ शाम को हुआ, कि मैं ये जानना चाह रहा था बेटा कि जब आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल में आपने रिटर्न क्वालिफाई, उसके बाद क्या कराया उन्होंने? उसके बाद सर पुशअप कराया था सर, उसके बाद सिटअप करवाया था, उसके बाद स्क्वाट्स करवाया था। कितने पुशअप कराया उन्होंने? 10 पुशअप करवाए थे सर, उसमें होल्ड नहीं करवा रहे थे सर, ये जो लोग बोलते हैं होल्ड करवाते हैं ऐसा कुछ नहीं था सर, होल्ड नहीं करवा रहे थे। पुशअप ऐसा जरूरी है, 10 ही हो, 11 भी बोल मार देते हैं, 12 भी बोल देते हैं। स्क्वाट्स में 22, मेरा तो 22 था, 25 भी करवा देते रहते हैं। 22 बोला था उन्होंने कि 22 करके दिखाओ, मतलब फिक्स नहीं कि आप 20, मतलब 20 है, मतलब दो चार एक्स्ट्रा आपके क्षमता होनी चाहिए, दो चार एक्स्ट्रा कर सको। सीख रहे हो तुम लोग? यस सर। क्या सीख रहे हो? लग रहा है कि हो जाएगा। यस सर। दोनों भैया तो करके आ गए हैं, सीनियर है आपसे। तो अब ये बताओ कि आपने ये दोनों सारी चीज क्लियर कर लिया और स्क्वाट हो गया, पुशअप कितना करना था? पुशअप सर 10 करना था। सिटअप कितना करना था? 20। 20 सिटअप सर, सिटअप शायद वो 10 ही करना था। 10 ही करना था और स्क्वाट 20 करना था। 25 तक करा। बहुत अच्छा। उसके बाद आपका इसका रिजल्ट आया या रिजल्ट एक साथ इन्होंने अलग एक साथ ही निकाला? एसआरटी हुआ सर, जैसे उसके बाद जो बच्चे छड़ रहे तो बाहर दिया तो क्वालिफाइड है। हाँ, उसके बाद वो लोग बोले कि आप लोग क्वालिफाइड हैं पीएफटी में। अच्छा, पीएफटी में क्वालिफाइड है, उन्होंने बताया। यस सर। तो फिर एसआरटी के 45 क्वेश्चन फिर आए हो, तो उसमें क्या उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था एसआरटी के लिए? यही किया था आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ। और मतलब क्या है, बहुत मतलब एकदम कॉन्शियस होके वो फॉर्म जो फिल करने, ओमैन सीट को बहुत अच्छे से फिल करना है, मतलब कुछ इधर उधर कर दिए तो रीड नहीं कर पाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे से, मतलब सेवन से एट लड़के बाहर हुए थे बस। अच्छा, सेवन से एट लड़के सर, टोटल 245 लड़के अप्रॉक्स पास हुए थे उसमें, 50 क्लियर किए थे और उसमें से लगभग 7 अप्रॉक्स बाहर हो गए थे। रीजन भी बताया था कि किस लिए आउट, बोले कि कई बच्चे थे जैसे पहले अच्छा लिखना पड़ता उसका गोले भी करने होते हैं, रोल नंबर कुछ और लिखे, गोले कुछ और कर दिए थे, उसकी वजह से भी हुए। होता क्या है कि ओएमआर लोग नहीं फिल कर पाते हैं, कोई फर्स्ट टाइम जाता है, कोई सेकंड टाइम जाता है, तो ओएमआर में एक प्रॉब्लम होती है कि एक तो जब हम नाम भरते हैं, जैसे मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, तो मैंने क्या किया, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा और जितेंद्र शर्मा कंटिन्यूअस लिख दिया, लेकिन जब मैं जितेंद्र लिखूंगा तो नीचे जे आई एक ही लाइन में सब फिल कर देते हैं। वहाँ बहुत वो लोग पेंसिल से करवाते हैं बच्चे, समझा जैसे बोर्ड रहता है ना, बोर्ड से ऐसे लेजर से करके जैसे पूरा स्क्रीनिंग, वैसे एक एक करके वर्ड वर्ड एकदम समझा रहे थे एकदम। अगर तब भी नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है, आप समझिए कि नकल करा रहे हैं तब भी आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्क्वालीफाई होना तो बनता है। बिल्कुल सही बनता है, मतलब अब प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं काम कर रहा है तो फिर करेंगे क्या। अब ये हो गई आपकी एसआरटी की बात, कितने मिनट में आपको उसको क्लियर करके? आधे घंटे के समय में। आधे घंटे में, और सब बहुत ही स्पीड से करना पड़ता है, सोचने का समझो टाइम नहीं रहता है। बहुत अच्छा है, इससे ये होता है कि हम कितने समय में किसको कर सकते हैं, और हमें भी लगता है कि यार टाइम का फिर पता चलता है कि समय की अहमियत क्या है। यस सर, सच्चाई तो ये। और कितने रीजनिंग के क्वेश्चन कितने पूछा था उसमें? रीजनिंग सर उसमें लगभग 10 के अप्रॉक्स पूछे थे बस। 10 क्वेश्चन थे, बड़ी बात है। जब सर टाइमिंग बचते हैं 5 मिनट तो वो लोग खुद ही बता देते हैं 5 मिनट टाइमिंग आपका बचा है। लास्ट के बताते हैं, जब 5 मिनट बचते हैं लास्ट का वही बताते हैं, मतलब टाइम बताते रहते हैं भैया समय हो रहा है ये। नहीं, बहुत अच्छा। उसके बाद जीडी हुआ आपका, तो जीडी में कितने बच्चे थे आपके? 15-15 का ग्रुप बना था, 15-15 ग्रुप बना था। अब जीडी आते समय लगभग 500 बच्चों में कितने बच्चे छट चुके थे? सर जीडी में आते समय 237 थे केवल, मतलब कि पीएफटी में आउट होने के बाद, मतलब पीएफटी नहीं एसआरटी भी आउट हो गए थे, मतलब पीएफटी और एसआरटी से आउट होने के बाद लगभग 237 बच्चे थे, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे बाहर हो गए। यस सर, ये सिचुएशन। और रनिंग में जो था ना 50, जैसे 100 का ग्रुप, 100 का ग्रुप था, 50-55 इतना बच्चे रनिंग क्वालिफाइड थे 100 में से।
अच्छा 50-55 बच्चे हर एक ग्रुप से थे। बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीडी में कैसा किया, कितने टॉपिक दिए उन्होंने? टॉपिक सर हमारे ग्रुप में 5 टॉपिक चले थे। हाँ। मतलब 5 टॉपिक, पहले तो जैसे टॉपिक बताते हैं, ये टॉपिक पहले क्या था कि हम लोगों को पैसे दे दिए, खुद ही फाइंड करो कि टॉपिक है क्या, ठीक है, उसके बाद खुद रीड करो। खुद एक रफ पेपर भी दिए होंगे उसमें। इस बार क्या था, पहले आपको टॉपिक बताएंगे, फिर बोलते हैं मैं इसको स्लोली स्लोली पढ़ूंगा, मतलब जो टॉपिक है उसी के बारे में पॉइंट आउट कर लीजिए आप। उसके बाद आपको उसी में आपको एक रफ कॉपी दी जाएगी। हाँ। उसमें आप बोले थे मैं जब पढ़ूंगा आपको अगर कुछ पॉइंट लग रहा है लिखने के लिए आप लिख सकते हैं रफ कॉपी में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट कोई टॉपिक दे दिया, जैसे इस बार काफी हाईलाइट टॉपिक्स चल रहे हैं, मीडिया चल रहा है और स्मार्टफोन चल रहा है, मतलब नॉर्मल थे हमारे में था यूटिलाइजेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा इन पब्लिक प्लेस। और सर मिड डे मील का, मिड डे मील आया था और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आई थी और नॉर्मल मतलब, और एक था होम सेक्सुअलिटी आई थी। हाँ। भाई मिड डे मील को लेके ये वो करेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं लगातार चल रहे हैं और लोग उसे परेशान हैं, एडिक्शन टू स्मार्टफोन, ठीक है, मीडिया हो गया। उसके अलावा देखिए इन्होंने सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताया, आपको क्लियर है कि जितने भी स्मार्ट सिटी सब हो रहे हैं, जितने भी बड़े शहर हैं सब स्मार्ट सिटी हो रहे हैं, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये मेट्रो की सुविधा हो गई, सीसीटीवी की सुविधा हो गई, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये है कि भाई उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टॉय टॉपिक। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ तो पहले के अकॉर्डिंग जीडीएफ इजी हो चुका, समझने लायक। भाई कारण क्या है ना, उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया कि मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ आप पॉइंट आउट कर लो, उसके बाद टॉपिक भी बता दे रहे हैं, टॉपिक भी बता दे रहे हैं, तो अब आपको लिखने में तो आसानी हो गई। बच्चे ये भी कर रहे, जैसे सर जैसे जैसे कॉपी बोले सीधा पूरा वही डिट्टू लिख दिए, देख के बोल भी रहे थे। मतलब वो लोग इतना बोले थे बेटा अगर आप नहीं बोल पाओगे, मतलब जैसे फिर आपको मैं वार्न अप करूंगा, आपको उठाने का मौका दूंगा आपको, फिर भी नहीं बोल पाएंगे सॉरी, तब मैं उस आप डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। ये मतलब देखिए इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि आप में कमी है और आपने मेहनत नहीं की। कुछ और करना चाहते, इतना टाइम था मतलब जीडी में भी इतना टाइम दे रहे थे कि आप बोलने को हमेशा बोलते रहो, बहुत टाइम था मतलब अगर तब भी थे एकदम बैठे रहते थे। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी से कोई सपोर्ट आपको मिला? बिल्कुल सर, पिछली बार भी मिला, पिछली बार भी क्वालिफाइड थे इसीलिए तो इस बार फिर आए थे, भाई को भी लेके आए थे। आप फर्स्ट टाइम आए? यस सर, बहुत ज्यादा सर शोभना मैम थी, वो बहुत ज्यादा गाइडेंस की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सपोर्ट मिला। यस सर, ठीक है, तो बोलने में कुछ आसानी हुई मिली? जी सर बहुत ज्यादा सर, कम्युनिकेशन सर अच्छा हो गया इसीलिए थे यहाँ पर, ताकि जो भी है मुंह से जो नहीं निकल पाते मतलब थिंकिंग तो रहती है। हाँ, तो यहाँ जैसे मैम खुद फिश मार्केट बना दे रहे थे ताकि वहाँ पे कुछ वैसा फील ना हो। सही बात है, मतलब फिश मार्केट मारना बन पाया। तो आपने सपोर्ट किया अपने ग्रुप को? यस सर, आपने भी किया? यस सर। तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि फिश मार्केट टाइप में बच्चे ग्रुप में बना रहे हैं? मुझसे बना रहे थे ना, वो सीधा बोल रहे थे कि ये क्या बात कर, ये क्या कर रहे हो, तुमको बता रहे एक एक कभी तुमको सबको बाहर कर देंगे, फिर सब शांति सुन लेते थे एक दूसरे को। मतलब विंग कमांडर साहब थे आपके सामने बैठे? जी सर, बार-बार दिए थे, 5-5 बच्चों करके, एक बार बोले थे चेस्ट नंबर इतने से इतने तक बोल दो, फिर चेस्ट नंबर इतने से इतने तक, 5-5 करके बार भी दे रहे थे, प्रॉपर मौका दे रहे थे सबको। ठीक, 10 एएससी ऐसा था कि मेरे हिसाब से पिछली बार मैंने दिया था उतना वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला जितना 10 एएससी, हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट पे पूरा मौका दे रहे हैं आप, अगर फिर आप नहीं बोल पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों बच्चों ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद पिछली बार एनरोलमेंट लिस्ट में रुका, फिर उन्होंने क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। मैं आपको बताऊं कि लड़ते रहना, ये नहीं सोचना यार अग्निपथ आ गया, अग्निवीर आ गया, क्या आ गया, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मेहनत करनी है और अपने आप को साबित करना है कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे बेस्ट हैं। इन बच्चों ने वो कर दिखाया, मैं इन बच्चों के जज्बे को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तो मेधावी छात्र हैं, अभी आप रनिंग पे हैं, इस समय काम कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस यही भाई, पहले से तो हेजिटेशन और डर वर तो नहीं, नॉर्मल है, जो होगा पहले तो अपनी मेहनत 100% दो, जो होना है तो होगा ही, वैसे भी अगर जो प्रिपरेशन कर चुके हो वैसे तुम्हारे हेजिटेशन करोगे तो मतलब डरोगे तो माइनस ही होगे, प्लस तो होना तो है नहीं, तो इसलिए जो जितना प्रिपेयर्ड हो अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद रिजल्ट मस्त रहो यार, पढ़ते रहो और जॉली टाइप दिखते रहो और जॉली टाइप के रहो, मस्ती से हर एक पल को एंजॉय करना है, सेना भी यही बंदे चाहती है और ऐसे ही बंदे चाहती है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ सेना में किसी अधिकारी से मिलो, ऑफिसर से मिलो, सब मस्त रहते हैं यार, ऐसा लगता नहीं कि वो ऑफिसर हैं और एकदम मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, तो एकदम फ्री होके, एकदम स्ट्रेस फ्री होके आप पढ़ाई करो, मेहनत करो
और तभी आप सफल होंगे। अगर आपने बर्डन ले लिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, तो फिर नहीं होता बेटा, फिर नहीं मिलता, तो फिर आप और परेशान होते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हम भी मेहनत करेंगे। आप क्या सोचते हैं आप? यस सर, हम भी मेहनत करेंगे इन लोगों तरह। और कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हैं आप? कहाँ से हैं? सर प्रयागराज। यस सर। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक, आप कहाँ के? सर फतेहपुर। फतेहपुर के रहने वाले। कुछ सीख रहे हैं आप भैया? सर सीख रहे हैं। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है? कौसाम्बी से हैं, अभिषेक मिश्रा। कौसाम्बी से अभिषेक मिश्रा, आप बताएं। कौसाम्बी से सत्यनारायण प्रसाद। कहाँ के हैं आप? कौसाम्बी। कौसाम्बी में कहाँ के? समनौरी से। समनौरी से। देखिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और आपके सामने जैसे आपके सीनियर्स ने बताया, भैया लोगों ने बताया आपको कि अगर आपको मेहनत करना, प्रॉपर फिजिकल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अचानक जब आपके सामने चुनौती आएगी तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। पता चला आपके पास 5 दिन का समय, 3 दिन का समय, और आपने दौड़ लिया, उस बीच जब आपने दौड़ लगाई तो पता चला आपका पैर ही जाम हो गया, तो आप वहाँ दौड़ ही नहीं पाओगे। पेड़ में फिजिकल तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो फिजिकल पे भी ध्यान देना है, मेडिकल पे भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ अपने खाने पीने पे और इंजॉय पे भी ध्यान देना, और पढ़ाई अच्छे से करते रहना, ठीक है? यस सर। ये प्रॉपर आपको करना है। आप कुछ बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं? सर मैं तो कहूँगा सर, वहाँ पे जी डी सब एकदम नॉर्मल होती है, कोई लड़कों को कोई पैनिक होने को वो नहीं है, एकदम सब कुछ एकदम नॉर्मली हो रहा है, कुछ एकदम जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो लोग पूरा एकदम चांस दे रहे हैं, कुछ नहीं। मैं तो कहूँगा एकदम डर नहीं हो, एकदम डरे ना, आराम से आइए, एकदम डरने की जरूरत नहीं, एकदम। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात अपनी रखी और आपने सजेस्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि आप कैरेट स्पेन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, निसंदेह ज्वाइन कर सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के ज्वाइन कर सकते हैं, एक बेहतर रिजल्ट है। मेहनत करते हैं बच्चे, एक अच्छा एटमॉस्फियर है, ऐसा है? बिल्कुल सर है। और सर रिटेन के लिए मैं वो करना चाहूँगा, मैं 3 बार क्वालिफाइड हो चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब कि एग्ज़ाम को जैसे होता है, अच्छी खासी प्रिपरेशन है, फिर भी डरे हुई हैं कि पेपर कैसा होगा। मतलब अगर आप इस बार भी था, ज़्यादा कुछ पढ़े भी नहीं थे, फिलहाल एक्सपीरियंस के बदौलत दिए थे, वैसे होगा, मतलब इन कॉन्फिडेंस तक देंगे तो निकलेगा। मतलब अगर आप प्रिपेयर्ड हैं जितना आप श्योर रहिए तो होगा जरूर। एग्जाम हॉल भी काफ़ी बच्चे डरा नहीं, इस बार पेपर बहुत टफ आया था, टफ मैथ में 10 से आगे नहीं पढ़ पाओगे। मेरा कहता है एग्जाम में हैंडल कर लो, घर पे आ रहा है नहीं आ रहा डजंट मैटर, एग्जाम फोबिया तुम्हारा वो ना रहे बस, वहाँ पे मतलब गलत भी है ना, बस कॉन्फिडेंस हो गया, बस बैठिए देखते हैं मतलब हो जाए। मैं अपने स्टाफ को भी बात बोलता हूँ कि भाई देखो, आप अच्छा करो या गलत करो, जो भी करते हो आप कॉन्फिडेंस के साथ करो। अगर अच्छा करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ करो, अगर गलत करते हो तो भी कॉन्फिडेंस, थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस ये फायदा है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गलती हुई ना छिप जाती है। सही बात है, कोई शक ही नहीं होता कि इसमें तुम्हें गलती है। और उन्होंने देखा ना इस बंदे के अंदर बोलने की कैपेसिटी है, कॉन्फिडेंस है, बिना डरे ये बोल रहा है, थोड़ी मोड़ी गलतियां भी होती हैं तो चल जाता है, तो ये चीज़ें रहती हैं थोड़ा सा। तो सही लगी चीज़ें, और मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोगों ने मेहनत किया और मेहनत का फल आपको मिला। मम्मी पापा खुश हैं? यस सर खुश हैं। बताया आपने सब? यस सर बताया सर। बहुत बढ़िया। यहाँ आने का यही फायदा है कि आप सर हैं, ये तो सर समझो दोस्त हैं एकदम मतलब जितना फ्रेंकली आप इनके साथ हैं, और भी इंस्टीट्यूट होंगे आप वहाँ जाके देख लिए, टीचर की तरह एकदम स्ट्रिक्ट रहो, ये रहो, सर के साथ एकदम मौज मस्ती जो हो हर टाइप से सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, जिस एरिया में चाहो तुम्हें जो प्रॉब्लम हो शेयर भी कर सकते हो, मतलब बहुत फायदा, मतलब तुम एक हिसाब से तुम करियर एक बार यहाँ पे आ गए, करियर बनाना चाहते हो, तुम कहीं ना कहीं तो घुस ही जाओ, इतना इतना है कहीं ना कहीं। आप बच्चों का प्यार है, आप बच्चों का आशीर्वाद है कि आप सबके सपोर्ट से सहयोग से यहाँ तक पहुँचा गया है, और वो सिलसिला रहता है। अभी मैंने आप लोग सफलता कितने टिप्स बताए? 45 बताए, और अगर ये फॉलो कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि सफल हो जाएंगे। चोटी मैंने बहुत ज्यादा उसको बांध रखा है, देखो इतनी बड़ी चोटी, और आपको बता दे कि इसके अंदर इतनी क्षमता है कि चोटी को अपने खड़ा भी कर लेता है, अपने अंतरात्मा से सोचता है, पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत लगाती है इसकी चोटी ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है। तो अभी फिलहाल वीडियो नहीं दिखाएंगे, लाइव नहीं, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। बने रहेंगे वीडियो में और बने रहेंगे कैरियर स्पेन डिफेंस एकेडमी में, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम। हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अग्निपथ स्कीम, योर चांस टू वेयर मिलिट्री यूनिफॉर्म। एडमिशंस ओपन फॉर NDA, CDS, FGAT, CAPF, अग्निवीर, SSB इंटरव्यू, फिजिकल ट्रेनिंग। विजिट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज, और कॉल 9415402422।